Once again, very good morning to all of you. Okay, now चलो इसके बारे में बात करते हैं. ये तो आपको आ ही गया होगा, राइट? प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज सबने देखा घर से? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? प्री रीडिंग तो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था, इजंट इट? ओके, राइट. और यहाँ पे ये करा दिया था, ओके. हाँ, तो प्री रीडिंग हो गया था आपका. लाइट रूल से यू वी आइडेंटिफाई करना है, ओके. आई लेट इफ यू आर यूजिंग एक्स स्क्वायर विल बी योर यू एंड राइट ना, ओके. आई लेट तो अलजेब्रिक एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके. ओके, ना हाँ, यस. क्यों मेरी मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? माई वॉइस इज लो. ओके ओके, हाँ यस, वो तो है. हाँ हर्षा, वो चीज है. ओके, जस्ट वर्क लोड, नथिंग एल्स. ओके, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे. तो ये तो आपका हो गया था, ओके. ये मैंने करा दिया था, इवेलुएट एक्स ई टू द पावर एक्स. ये शायद बाकी होगा, कराया नहीं था, जस्ट यू एंड वी आइडेंटिफाई करना दिखाया था, राइट? सो इफ आई यूज आईलेट रूल, ओके, सो एक्स इज योर अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, राइट? दिस इज योर यू एंड वी और नॉट, ओके. यहाँ से मैं आपको एक ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, ओके. सो दिस विल बी इक्वल टू ई टू द पावर यू कॉन्स्टेंट. हु विल टेल मी फॉर्मूला? जस्ट रेज योर हैंड क्विकली. इंटीग्रल यू वी डी एक्स, ओके. हु विल टेल मी फॉर्मूला? इंटीग्रल यू वी डी एक्स, ओके. इरफान, इरफान अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी फॉर्मूला क्विकली. ओके, बोलो सिंचना, इसकी फॉर्मूला क्या है? पढ़ा सबने एग्जाम के बाद एटलीस्ट ये फॉर्मूला लिखी 5 टाइम्स? क्विकली क्विकली बोलो सौमिक. सर यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स यू बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ यू यू हाँ सॉरी डी एक्स डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी वी डी एक्स, डी एक्स बस और होल में डी एक्स होगा, ओके. होल में होल डीएक्स, में होगा सर. हाँ यस यस. तो होल का हमें वापस इंटीग्रल करना है. सो जस्ट रिमेम्बर लाइक दिस, यू कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ वी माइनस डिफरेंशियल ऑफ यू अगेन इंटीग्रल ऑफ वी एंड यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस होल टर्म, ओके. पहले टर्म सिर्फ याद रखो, पहले यू इंटीग्रल सॉरी यू कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ वी, फिर पहले फर्स्ट यू टर्म का आप डिफरेंशियल दे दो और फिर उसका इंटीग्रल अप्लाई कर दो, होल इंटीग्रल, ओके. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. चलो क्विकली, तो अब यहाँ पे अगर मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ तो माई यू इज एक्स और नॉट, ओके. आई विल अप्लाई, आई विल बिगिन फ्रॉम हियर. यू इज माई एक्स और नॉट. एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ यू. एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ओके. एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1. इंटीग्रल वी डी एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी एक्स, ओके. चलो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही होगा माइनस यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स होगा, ओके. एंड ई टू द पावर एक्स का अगेन इंटीग्रल होगा ई टू द पावर एक्स. सो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और फाइनली जब आपका इंटीग्रल खत्म होता है तो हम लिखते हैं प्लस सी, ओके. एग्जैक्टली साइड पे करना चाहिए सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डन ओवर हियर.
So here it will be your x e to the power x minus e to the power x plus c. If I take e to the power x common, right? So it will be your x minus 1 e to the power x plus c. Okay? Is it clear now? अब यहां से मैं आपको एक e to the power x की फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्टली, समझना। जब भी आपके पास इंटीग्रल e to the power x into f of x dx हो, okay, तो यहां पे आपकी फॉर्मूला क्या अप्लाई होगी, टेल मी। e to the power x, right? अगर आप आईलेट यूज कर रहे हो तो e to the power x आपका ऑलवेज v होगा, right? ये आपका ऑलवेज v होगा, सो दिस इज योर u और नॉट। सो u कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ऑफ v, पहली टर्म आपकी हो गई, अभी सेम टर्म पहले कॉपी पेस्ट करके लिख दो, राइट, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस होल टर्म, डिट्टो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स, फिर इसी टर्म में पहले यहाँ पे डिफरेंशियल दे दो, फिर होल इंटीग्रल दे दो, ओके, सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ओके, और ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, अगेन फिर यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा, ओके, बट हाँ यस, यहाँ पे आपके प्रोसेस चलती जाएगी, ओके, हाँ यस यस, दिस इज योर इनफाइनाइट चेन, राइट, और वो आपके स्टॉप नहीं होगी, तो उसके बारे में एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली लाग्रांजे ने ये फॉर्मूला दी थी, समझना, ये एग्जैक्टली आपको इनफाइनाइट चेन मिलेगी, राइट, ये, सो दिस इज योर ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, उसके बाद आपको मिलेगा प्लस एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा, ओके, और ये आपका कहाँ पे स्टॉप होगा, जब आपका फाइनल डिफरेंशियल जीरो होगा, राइट, कभी ना कभी तो आपका, अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट, अगर साइन होगा तो वो चलता ही जाएगा, कॉस होगा तो वो चलता ही जाएगा, और अलजेब्रिक फंक्शन है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा ही, राइट, एज फॉर एग्जाम्पल सी ओवर हियर एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स, राइट, तो ये इसमें अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो e टू द पावर x x माइनस x का डिफरेंशियल 1, ओके, और उसके बाद का डिफरेंशियल क्या होगा, 0, तो इसका यहीं पे खत्म हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी e टू द पावर x इनटू x माइनस 1 प्लस c, क्योंकि अब यहाँ पे आपका फंक्शन x है, तो f' x 1 हो जाएगा। ऑन अ सिमिलर नोट, अगर आपके पास हाँ n डिग्री है तो चलता जाएगा, राइट, तो वही लाग्रांजे की डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास है इंटीग्रल x टू द पावर n e टू द पावर x dx, तो इसका आपको इंटीग्रल मिलेगा e टू द पावर x x टू द पावर n, चलो x टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n माइनस 1, सॉरी n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इनटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ओके, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा, एक एक टर्म के बाद आपको डिफरेंशियल करते जाना है, क्या ये चीज क्लियर हुई, ओके, ये आप इसे फॉर्मूला याद रखें, ओके, क्विकली गिव मी अ सेकंड, एग्जैक्टली आपको इसको आप ऐसे को ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाँ ये चलता ही जाएगा, अब वो डिपेंड करेगा आपकी जो पावर है उस पे, राइट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज e टू द पावर x के साथ कोई भी आपका फंक्शन है u, तो ऊपर वाली मेथड बेस्ट है, राइट, उसका डिफरेंशियल करते जाओ बस, राइट, तो ये एग्जैक्टली आपका हो रहा है e टू द पावर x u माइनस u डैश प्लस u डबल डैश माइनस u ट्रिपल डैश, ओके, दिस इज योर बेस्ट मेथड टू रिमेंबर e टू द पावर x इनटू u dx, इज इट क्लियर, ओके, तो ये दिया था लाग्रांजे ने, ओके, बोथ आर राइट,
दोनों राइट है, आई लेट लाइट बोथ आर राइट. ओके हाँ, मैंने कल ही मैंने बोला था आपको कि मॉड्यूल में लाइट दिया है, बोथ आर राइट, लाइट आई लेट बोथ आर राइट. ओके जब मैं पढ़ा था 12th बोर्ड्स तो मैंने भी लाइट लेके पढ़ा था, देन आफ्टर दैट आई लर्न आई लेट. ओके चलो, और एक और फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग, वेट तो लेट मी शो यू दैट फॉर्मूला एज वेल. ये e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x. ओके अब समझना, ये e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x किसका डिफरेंशियल होगा, राइट? और ऐसा तो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करके ये मिलेगा? अगर आप e टू द पावर x f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, u कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ u. सो सपोज दिस इज u, दिस इज v, सो e टू द पावर x f डैश x प्लस f ऑफ x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. सो दिस इज योर e टू द पावर x f प्लस f डैश, इजंट इट? f ऑफ x प्लस f डैश x. सो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे, व्हेन यू फाइंड इट्स इंटीग्रल, तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर x into f of x. Is it clear? Yeah, agar aap Lagrange formula use kar rahe ho, so integral of e to the power x f plus f dash, ye aapka pura f hai. Okay, so according to Lagrange formula, e to the power x says it is first u, okay, minus u ka differential, f ka differential f dash ka the differential f double dash. Okay. Okay. Wo shayad plus ho, wo minus hi hoga idhar. ओके तो ये प्लस एफ डैश माइनस एफ डैश यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. इन अ सेम वे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों का इंटीग्रल, तो एफ डबल डिफरेंशियल एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश, तो एफ डबल डैश यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो वहाँ पे सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होती जाएंगी, राइट? आपके पास सिर्फ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बचेगा, राइट? तो यहाँ पे इजी मेथड ये है कि आप ये यूज करें, तो ये भी एक आपकी नई फॉर्मूला हो जाएगी. इज इट क्लियर? ओके तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स में इंटीग्रल यू वी तो है ही, यू वी के साथ हम ये दो तीन फॉर्मूला भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स हो कोई भी फंक्शन हो तो उसको कैसे करना है उसका डिफरेंशियल, राइट? सबसे आसान है आप ये याद रखें. ओके सबसे बेस्ट आप ये याद रखें फॉर्मूला के लिए, सॉरी. ओके ये ओनली नेक्स्ट, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट क्या होता है एंड इसका इंटीग्रल हमें कैसे करना है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर अब वो फॉर्मूला, और इसका डिफरेंशियल यहाँ पे सेट करके वो, ये सारी फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो बेटर यू यूज ओनली दिस लैग्रेंजेस फॉर्मूला याद रखें ई टू द पावर एक्स यू के लिए, ओके तो आपका थोड़ा और बेटर हो जाएगा. चलो इवेल्युएट इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, फाइंड ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, बट ये लैग्रेंज फॉर्मूला आपको बोर्ड्स में यूज नहीं करनी है. लैग्रेंज फॉर्मूला इज नॉट फॉर बोर्ड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसा आपके एल हॉस्पिटल बोर्ड्स के लिए नहीं, ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, राइट? दिस इज फॉर जेई. ये एग्जैक्टली आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, ये सारी चीजें ऐसी जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, बट हमें आपको पहले से दिखाते हैं. ओके डोंट वरी मनोज, वो यहाँ पे आपका रिपीट होगा, वो बहुत बार रिपीट होगी. ओके हाँ वो बोर्ड्स में है, आईलेट वो बोर्ड्स में, वो एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में आपको कैसे दिया है, वो आपको आईलेट दी है या लाइट करके दिया है वो एक बार आप चेक कर लेना. ओके एनसीईआरटी में इतना हो जाएगा. ओके वो चेक करके मुझे बताना, मोस्ट प्रोबेबली शायद आईलेट हो सकता है. चलो अब यहाँ पे अगर मैं यू इंटू भी अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? अभी तो हम जेई के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही मान के चलो, तो जेई के लिए अभी हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या होगा? क्विकली जल्दी करना है, राइट? So u and v, right? This is your u and this is your v. So e to the power x, u आपका क्या है? x square plus 2x.
माइनस डिफरेंशियल ऑफ यू, एक्स का डिफरेंशियल 2x प्लस 2 एक्स का डिफरेंशियल 1, ओके, प्लस इसका अगेन डिफरेंशियल, राइट, माइनस 2 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस 2 का 0 प्लस सी. इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट ई टू द पावर एक्स, ये आपका माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. ये आपका वही हुआ. हाँ, यस, एग्जैक्टली, दिस इज योर केस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट. ये तो लाग्रांज से भी आसान है. एग्जैक्टली, दिस इज योर केस ऑफ इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश. तो जब भी ई के पावर के साथ आपको दो फंक्शन दिए गए हो या एक से ज्यादा फंक्शन हो, तो चेक करो क्या कोई एक दूसरे का डिफरेंशियल है. अगर वो डिफरेंशियल है तो वो आपका वहीं पे हो जाएगा पहले. ओके, डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है. ओके, प्लस सी. इट इज क्लियर नाउ? राइट, तो मनोज, ये है आपकी लाग्रांज फॉर्मूला. एनसीईआरटी में आईलेट के बारे में नहीं दिया है, एनसीईआरटी उन्होंने बहुत नीचे चले गए, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, ये देख लो, ई टू द पावर एक्स इंटू यू, मनोज, तो उसके लिए बस आपको ये करना है, ई टू द पावर एक्स यू माइनस यू डैश प्लस यू डबल डैश माइनस यू ट्रिपल डैश. ओके, ओके, ठीक है, आईलेट उनको देना चाहिए. चलो ठीक है, एनसीईआरटी ने लिटरली अपना लेवल बहुत डाउन कर दिया है जब हम पढ़ते थे उससे. चलो, नो प्रॉब्लम. इंटीग्रल अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ये कैसे करें बोलो. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्टली. हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? इवन मैंने ये भी दिखाया था कि उसको याद कैसे रखना है. ओके, एक दो क्लास में ये थोड़ा खत्म करने हैं, हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और टीपीपी के लिए हम मेथड थोड़ी चेंज करने वाले हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं फिर. ओके, बट ये हमें करना है पहले. हाँ, नहीं, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट साइन भी नहीं लगेगा. सी, अगर इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें आप डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स लगा सकते हो, राइट. समझो, फॉर्मूला में कंफ्यूज मत हो. ओके, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपका होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए. इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ऐसे बोला था कि अगर आपके पास इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे जितने भी फॉर्मूला हैं उन सब में पहले आपको ऐसे रखना है, एक्स बाई टू दिस इंटीग्रल एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर ये जो आपको ए स्क्वायर दिया है उसको यहाँ पे लेके आए, राइट, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, राइट. अब फिर इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. अब एग्जैक्टली कुछ पता चल रहा है? ये फॉर्मूला आपके कहाँ से आई है? ये फॉर्मूला आपके u इंटू वी से ही आई है, राइट, जिसमें ये अंडर रूट को माना गया है u. ओके, इसको आप मान रहे हैं u एंड वन विल बी योर v. तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्रिक